तो दोस्तों अगर आप Redmi का डिवाइस यूज़ करते हैं तो Redmi का डिवाइस में एक फ़ीचर देखने को मिलता है ग्लेंस फीचर। एक्चुअली में ये फ़ीचर आपको Samsung के डिवाइस में भी मिलते हैं, जितने भी आपको यहाँ पे डिवाइस है सब में ये ग्लेंस वाला फ़ीचर आता है। पर Redmi के डिवाइस में जो आपको ग्लेंस वाला जो फ़ीचर मिलता है, इसका नया अपडेट में आपको काफ़ी सारे यहाँ पे फ़ीचर को ऐड किए गए हैं। वो कौन कौन से फ़ीचर को ऐड किए गए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मी ग्लेंस को यहाँ पे इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। मोबाइल के सेटिंग में जाने पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ग्लेंस टू मी, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद टर्न ऑन वाला ऑप्शन है, इसको आपको यहाँ पे ऑन कर देना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैटेगरी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करना है, चाहे वो आप यहाँ पे 2 इमेज 3 इमेज या 4 इमेज जो आपको यहाँ पे सेट करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ग्लेंस इमेज कैटेगरी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे फॉलो कर लेना है। तो आपको कौन सा कैटेगरी यहाँ पे पसंद है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिलता है रेस्ट टू अवेक, तो ये फीचर को भी आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। तो आप यहाँ पे ग्लेंस वाले फ़ीचर को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर पाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मी ग्लेंस वाला फ़ीचर कैसे काम करता है चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल को यहाँ पे लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद यहाँ पे आप अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, तो ये ग्लेंस फीचर में आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप टैप करके लॉक करते हैं, उसके बाद जैसे ऑन कीजिएगा तो ये वॉलपेपर चेंज होने लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे स्वैप भी करते तो तब भी ये वॉलपेपर चेंज होगा। तो आपने रेस टू अवेक वाला जो फीचर को इनेबल किया है, तो यहाँ पे आप उस फीचर को इनेबल करने बाद यहाँ पे स्वैप वाला फीचर से भी आप यहाँ पे इमेज को चेंज कर पाइएगा। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जैसे आप यहाँ पे कोई भी न्यूज़ पढ़ना है तो आप यहाँ पे न्यूज़ पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे वॉच वाला भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको वीडियो देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट से राइट जैसे स्वैप करते हैं तो आपको यहाँ पे और भी फीचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे लाइव वीडियो चलता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर में लाइव का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई वीडियो को देखना है तो वो भी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके न्यूज़ को भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये ग्लेंस वाले फीचर में आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे रेशो वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर जैसे आप टैप करते हैं तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे स्वैप करते चले जाते हैं तो यहाँ पे आप इंटरटेनमेंट के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आपको ग्लेंस वाले फीचर में ही मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे गेम वाला फीचर मिलता है। अगर आप यहाँ पे गेम पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कैटेगरी के गेम मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन कोई भी गेम को प्ले कर सकते हैं। कैटेगरी आपको अच्छी अच्छी मिल जाएगी और गेम भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर गेम मिल जाएगा। अभी मैं आपको फ़िलहाल एक गेम यहाँ पर आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि गेम कैसे यहाँ पर वर्क करता है। जैसे इस गेम को मैं यहाँ पर प्ले करके आपको दिखाता हूँ और ये कैसे वर्क करता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी गेम आपको यहाँ पे दिखाया जाता है इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पे गेम मिल जाएगा। तो आपको प्ले स्टोर से कोई भी गेम डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपने मनपसंद से यहाँ पे गेम खेल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, यू वाला ऑप्शन देखने को मिला। इस पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा लैंग्वेज आपको यहाँ पे रखना है, उसके बाद कैटेगरी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आप कैटेगरी भी यहाँ पे चूज़ कर पाइएगा। अगर आपको कोई वीडियो को शेयर करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जो बताइएगा। हो सके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।